गाइस यहाँ पर मैं नहा कर सब करके नमाज़ भी पढ़ ली थी और उसके बाद में मैं रेडी हो गई हूँ अपना शूट करने के लिए एंड बस बैठी हूँ शूट के लिए। मैंने कहा चलो व्लॉग में आपको बता दूँ कि अब मैं अपना शूट स्टार्ट कर रही हूँ, जो वीडियोस बनानी है वो उसके बाद में फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बट इससे पहले कि फ्रूटी आ गई है मेरे लिए चाय लेकर, बिकॉज आज मैंने चाय नहीं पी है सुबह से एंड बहुत दिन से आपको व्लॉग में भी शायद चाय नहीं दिखी है, तो ये मेरे लिए चाय लाई है। बट आप इतनी कम क्या लाए यार, हमने सुबह से नहीं पिए चाय। कम भी तो है, देखिए आधा कप से भी कम है। क्या हाफ कप दिखाए, देखिए देखिए आप लोग बताइए कितना है कम, यहाँ तक है, कम ही है ना इतनी सी, और हमने सुबह से नहीं पिया चाय। और डाल दीजिए नेक्स्ट टाइम, क्या नेक्स्ट टाइम और डाल दीजिए ना थोड़ी सी किसी के उसमें से, किसी और के कप में से। फिनिश हो गई, क्या फिनिश हो गई, सही टाइम पे लाएं, बस हम स्टार्ट करने वाले थे फिर आप बीच में डिस्टर्ब करते हमको। चलिए जल्दी से पी के फिर हम आपसे फ्रूटी थोड़ी सी और दीजिए ना यार, बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी चाय बनाई है इसने अदरक डाल के। अभी सर्दियों में तो अदरक डाल के अच्छी लगती है ना चाय। ला रहे हैं क्या, और हमारे बाल देखिए हमने क्या क्या लगाया आज, इतने सॉफ्ट, माय गॉड, दिखने में ही लग रहा है ना एकदम कितना सॉफ्ट लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे अपने ईद की सेवैयाँ नहीं होती ईद पे जो सेवैयाँ बनाते हैं ना, मीठी सेवैयाँ एकदम ऐसे पतली पतली बनती है, बहुत अच्छी इतनी टेस्टी, वैसे बाल लग रहे हैं आज है ना बहुत ज़्यादा, देखिए इतने सिल्की लग रहे हैं गाइस, इतने मतलब इतना सॉफ्टनेस है ना बालों में, ऐसा लग रहा है जैसे बाल इतने अच्छे हो गए। बिकॉज मैंने तीन चीज़ें लगाई है बालों पर, एक टोनर स्प्रे किया, एक शैम्पू किया DIY शैम्पू फेनुग्रीक वाला किया, एंड टोनर जो चैनल पे गया ना टोनर करके इतना बड़ा लिखा हुआ है वो टोनर लगाया है एंड और ऑयलिंग करी थी वो वाला ऑयल जो मैंने अभी रिसेंटली बनाया है, उसका वीडियो नहीं गया अभी तक, वीडियो आने वाला है वो ऑयल। मतलब तीन चीज़ें मैंने लगाई, मेरे बाल देखो आप सो सॉफ्ट। क्या चाहिए आपको, मिरर कहाँ है मिरर, ये रहा। अल्लाह जल्दी से पीती हूँ और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ शूट। टोनर का एप्लीकेशन तो उसमें भी बताया हमने, इसमें व्लॉग में आपने देखा होगा स्टार्टिंग में टोनर का जो एप्लीकेशन था, ऑयलिंग रात में की थी, उसके बाद में शैम्पू जो मैं लेके गई थी वो शैम्पू किया, इतने अच्छे बाल देखिए आप लोगों को बोल रही हूँ ना, जाइए चिश ब्यूटी चैनल पर और वहाँ पर सब वीडियोज़ हैं उनको देखिए और आप भी करिए, इतने अच्छे बाल हो जाएंगे देखना। मतलब सर्दियों में भी आप ये नहीं बोलोगे कि हमारे इतने बाल ड्राई हो रहे हैं, फ्रिजी हो रहे हैं, ऐसे बाल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे ना कंडीशनर, और जबकि कंडीशनर वगैरह कुछ नहीं किया है, देखो आप ऐसे लग रहा है ना जैसे कितना मतलब कंडीशनर किया हुआ है ना फ्रूटी, तो अच्छे सॉफ्ट बाल हो गए। गाइस वीडियो शूट करी थी, ड्रेस चेंज हो गई है ना, एंड मैं खा रही हूँ मैगी, ये लीजिए फर्स्ट बाइट आपके लिए अगर आप हमेशा हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं ठीक है, और कभी कभी आपका मन हो कि यार मैगी खा लेते हैं है ना, या पिज़्ज़ा खा लेते हैं, कभी कभी महीने में एक दो बार बस, ज़्यादा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, खा सकते हो। एंड ये टॉप कैसा लग रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, इसका है ना वीडियो आएगा, बहुत सुंदर है ये, कहाँ से लिया क्या वो सब बताऊंगी उसमें ठीक है। और विंटर के हिसाब से वॉर्म,
हाँ पर गाइज सारे शूट हो चुके हैं एंड यहाँ पर अभी इनको मुझे तय लगाना है तीनों को, ठीक है। एंड और क्या, ये देखिए मैं लैक्टोकैलामाइन पास में लेके सो रही थी बिकॉज के मुझे हल्का सा स्किन के ऊपर है ना, पता नहीं मतलब इचिंग हो रही थी पता नहीं क्यों, तो मैंने कहा चलो रात में 2-3 दिन फिर मैंने इसको भी लगा के सोई थी तो एकदम सही हो गया। तो इलेक्ट्रोकैलामाइन है ना आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आप लोगों को लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, ये मेडिकल शॉप पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए एंड ये मैं एक पहन के देखती हूँ, है ना, अभी तक मैंने इनको पहने नहीं है, इनको पहनती हूँ, ठीक है, आपको पहन के दिखाती हूँ, ओके कैसे लग रहा है आप बताना। एंड देखिए मेरी बेडशीट पे क्या लिखा है, बेस्ट विशेज। और मैं अब दो दो ब्लैंकेट अपने पास रखती हूँ क्योंकि रात में ना ज़्यादा ठंडी लगती है, तो मैं इसको दोनों को है ना साथ में ओढ़ लेती हूँ, और नहीं तो एक तो ओढ़ती हूँ, है ना, क्योंकि अब ठंड बढ़ रही है ना इसलिए। सब काम हो गए हैं, सारे शूट हो गए हैं, अब मैं चाह रही हूँ नीचे, ऊपर बहुत तेज ठंड हो गई है एंड पता नहीं मतलब बहुत ज्यादा ठंडी वाली हवा होती है ना वो चल रही है, एंड मैं जो कॉटन का दुपट्टा है ना वो डाल लिया। एंड ये जो मैंने लिए थे ना गाइस ये बहुत ही ज्यादा वार्म है ना, इसका मैंने हॉल किया था अपने यहीं पे, है ना, आप लोग देखेंगे तो बहुत ज्यादा वार्म है ये, इसलिए बिल्कुल भी इसमें ठंडी नहीं लगती है, बस मैंने अपने कानों को कवर कर लिया है। एंड अब मैं जा रही हूँ नीचे, थोड़े से रूम में जो चीजें हैं वो लेकर जा रही हूँ, एंड सीढ़ियों में पकड़ानी पड़ेगी और फिर मैं अपना और सामान लेकर जाऊंगी। ये देखिए ये बर्तन नीचे ले जा रही हूँ मैं। ओ फ्रूटी एक मिनट जीने पे आना, तो क्या एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग, मैं हूँ चिश्तिया और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी व्लॉग्स। जी हाँ, व्लॉग चैनल पे बहुत दिन से वीडियो आई है, आपको पता ही था मैं इतने दिन बिजी थी इसलिए। एंड मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, इतना मैस इतना मैस हो रखा है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग शूट किया जाए एंड आपको मैं टाइम दिखाती हूँ। अभी टाइम देख लीजिए आप लोग, क्या टाइम हो रहा है, 12:30 हो रही है रात की, ठीक है। एंड ये ट्यूबलाइट लग नहीं रही है, पता नहीं क्या हुआ इसको, ये ट्यूबलाइट ख़राब हो गई है तो ये नहीं लग रही, सिर्फ ये एक बल्ब लग रहा है, इधर एक ट्यूबलाइट और एक इधर बल्ब लग रहा है, एंड वो रही मैं, ठीक है। तो ये और सामने जो आपको दिख रहा है, मैं पहले जॉब करती थी ना बैंक में, तो वहाँ से मुझे ये अवार्ड मिला था, तो इसलिए अभी 12:30 हो रही है, मैं शूट कर रही थी तो ये देखिए कितना मैस हो रहा है, सब कुछ बिखरा हुआ है। अब मुझे ये सब समेटना है और इन सब को जब मैं तय लगा के रखूँगी तो मुझे 1 घंटा मैक्सिमम लगना है, है ना। तो बस यही वीडियो का ही काम कर रही थी मैं। एंड गाइस ये जो भी बैग्स वगैरह मैं आपको यहाँ पर जो दिखा रही हूँ, बैग्स है, ड्रेस है, इन दो वीडियो मेरे चैनल पे जा चुकी है चिश ब्यूटी चैनल पे, एक तो फ्लिपकार्ट हॉल वीडियो है एंड एक बैग कलेक्शन की है, तो बहुत ही अच्छे एंड बहुत अफोर्डेबल है एंड बहुत अच्छी सेल चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काफ़ी रिजनेबल रेट में और कम रेट में बहुत ही अच्छी चीज़ मिल जाएगी, तो आप लोग वो वीडियो देख लेना। एंड उनको लेना चाहते हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो चेक कर लीजिएगा। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, एंड नाउ आई एम फ्री, आपको पता है मैं फ्री हो चुकी हूँ, तो अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगी दोनों चैनल पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना और लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है।